सवेरे सवेरे तो खैर परेशानी होती, ये एक ये टॉयलेट है एक उधर है, यही गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती जल्दी, और क्या बोलते भरी रहती है सब टॉयलेट। हाँ बच्चे बाहर करते, टॉयलेट में भी बच्चे बाहर करते हैं, मतलब बच्चों के लिए नहीं है कोई। आधे मोहल्ले के अंदर पानी, अगर आप आगे देखोगे ना तो वहाँ तक पानी पहुँचता ही नहीं है, कम से कम दो चार छः लेटरिंग और होती तो यहाँ के आदमियों को सुविधा मिल जाती। रात बिरात किसी को लगे तो दिक्कत है, जैसे रात बिरात किसी बच्चे को लगी तो साथ में जाना पड़ेगा। मैं तो सुबह नेहरू पार्क ले जाता हूँ बच्चों को, मैं तो वहीं पर गंदगी रहती है तो फिर बाहर ले जाता हूँ बच्चों को। पानी भी आता है गंदा आता है, ऐसे ही आता है इसमें, कभी कभी तो इतना गंदा आता है पिया भी नहीं जाता। कभी झाड़ लगाने वाले नहीं आते, अब हम ही करते हैं यहाँ पे। जिनके लेटरिंग है वो तो लेटरिंग में बिठा देते हैं, जिनके नहीं है जो ऐसे नाले के किनारे बिठा देते हैं। अब हम ही खुद वहाँ जाते हैं लेटरिंग डब्बे, वो इतनी गंदी रहती है क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ता है। हम तो वहाँ से अभी आप आए होंगे तो वहाँ पे पक्का नलका है, वहीं से भर के लाते हैं, हमारा वहीं से आता सारा काम, वहीं से होता है। बच्चों को स्कूल जाना, लेने, घर का काम करना है, सारा दिन हम नलके पे बैठेंगे तो हम काम कब करेंगे। सुबह लेटरिंगों में जाओ वहाँ भी लाइन लगा के बैठे रहो, सुबह बच्चों को लेट हो जाता है। बाहर है ना वहाँ जा सर्दी है, क्या करा कोई माल ले आना ना दे, टूटा पड़े देखो, सुनना ही ना माल ही नहीं लेने दे, देखो बेचारा क्या करा। बस नहीं बेटा अच्छी बात ना, कहाँ जाए, सरकारी लेटरिन का हालत देखो, यहाँ कोई नहीं सुनता, हम लोग का तो कोई सुनने वाला है ही नहीं।